हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपका लव इंटरसिटी यूट्यूब चैनल में। तो कैसे हो आप लोग। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं चार ऐसे साइकोलॉजिकल टिप्स के बारे में, जिनको अगर आप समझ लेते हो, ये ऐसे काम हैं जिनको करने के बाद गारंटेड आपका पार्टनर आपके बारे में ही सोचेगा, किसी और के बारे में नहीं सोचेगा। तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा जो इंटेंशन है वो ये है कि आपका जो पार्टनर है वो हमेशा आपका ही बन के रहेगा, किसी और के बारे में सोचेगा तक नहीं। तो सबसे पहली बात, ये वीडियो वर्थ ऑफ है, लड़के लड़कियां दोनों के लिए समान रूप से ये वीडियो उपयोगी है। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाइएगा भी। एंड मैं सबसे पहले, आगे बढ़ने से पहले, ये कुछ लाइनें मैं आपको बता दूँ। देखिए कि गलत वो नहीं थे जिसने धोखा दिया, गलत तो हम थे जिसने मौका दिया। ये बात अगर आपको समझ में आ गई तो ये चार फैक्ट आपके काम के हैं, और अगर समझ में नहीं आई तो ये चार फैक्ट व्यर्थ हैं। तो सबसे पहली बात है कि इन चार, ये जो लाइन है दो, इसको समझ लीजिए। गलत वो नहीं होते जो धोखा देकर जाते हैं, ठीक है। गलत तो हम ही होते हैं ना जो मौका देते हैं उनको। कोई हमको धोखा दे रहा है तो क्यों दे रहा है, वहाँ पर एक क्वेश्चन मार्क लगा दो, आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये चार फैक्ट जो है इनको एक एक करके डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली जो बात है, जो पहला फैक्ट है वो ये है कि ट्रेंड मत बनने दो। अब इसको समझना अच्छे से कि मैं यहाँ पे क्या आपको बताना चाहता हूँ। ट्रेंड मत बनने दो कहने का मतलब ये है कि हम, क्या होता है कि एक ही चीज़ जो है वो एकदम स्ट्रेट चलने लगते हैं, ढर्रे पे चलने लगते हैं, ठीक है। लेकिन प्यार में कोई भी चीज़ चलनी चाहिए वो एक तरीके से उतार चढ़ाव के साथ चलनी चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट चलने लगते हैं। जैसे कि सपोज करो कि हम अपने पार्टनर को मैसेज करते हैं रोज़ सुबह 5 बजे मैसेज करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करते हैं कि हमें लगता है कि हमारा पार्टनर कुछ ऐसा होगा, एक्साइटमेंट बना रहेगा स्टार्ट में। हमने एक दिन, दो दिन, चार दिन, हफ्ते भर, दो हफ्ते मैसेज किया, इसी तरीके से करते रहते हैं। फिर हम इसको एक ढर्रे पे लेके आ जाते हैं और इसको कंटिन्यू करते रहते हैं। तो ये क्या हुआ, एक ट्रेंड बन गया। लेकिन हमको ट्रेंड नहीं बनाना है। हमने 3 दिन मैसेज किया, 4th दिन बिल्कुल गायब ही कर दिया, या फिर कुछ दिनों के लिए बिल्कुल बंद ही कर दिया। 2 हफ्ते किया, उसको बदल दिया ट्रेंड को, ठीक है, या फिर उस ट्रेंड को कुछ दिनों के लिए छोड़ दिया। मैं ये नहीं कह रहा हूँ जो आप कर रहे हो वो गलत है, लेकिन साइकोलॉजिकल हिसाब से ये गलत है। अगर आप एक ट्रेंड बना देते हो तो आपके पार्टनर को मौका मिल जाता है, क्योंकि जब एक ट्रेंड बन जाएगा ना तो आपका पार्टनर बिल्कुल निश्चिंत हो जाएगा, ठीक है, जिसको कहते हैं ना कि टेंशन फ्री हो जाएगा, कि चलो सामने वाला तो अपना काम करते ही रहेगा, फिर वो और चीज़ों के बारे में सोचने लगेगा। जब हम ट्रेंड से अलग हटते हैं, उतार चढ़ाव जब आता है ना, तब जाके पार्टनर सोचना स्टार्ट करता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, ठीक है। जब ऐसा सोचेगा तो मौका ही नहीं मिलेगा किसी और के बारे में सोचने का। यह है पहली बात। दूसरी जो बात है वो है, ऊब मत होने दीजिए। मैं आपको बार बार कहता हूँ कि ऊब मत होने दीजिए, इससे बचिए और बचाइए अपने रिलेशनशिप को। ये ऊब इतनी खतरनाक बीमारी है ना, इससे कोई भी नहीं बच सकता है, चाहे कितना भी ट्रू लव हो, चाहे कुछ भी हो, बच नहीं सकता कोई भी इंसान। अगर मैं इसको दूसरे वर्ड में कहूँ तो इंटरेस्ट अगर कम हो जाता है तो ऊब पैदा होने लगती है। तो इंटरेस्ट बिल्ड करना बहुत ज़रूरी है, और इंटरेस्ट बिल्ड करने का सबसे बेहतर जो तरीका है वो है ट्राई टू समथिंग डिफरेंट, ठीक है। आपको कुछ डिफरेंट करना है। अगर आप कुछ डिफरेंट करना सीख जाते हो तो आप जो है ऊब से बचने में माहिर हो जाओगे। और यहाँ पे इसको अगर मैं और थोड़ा सा दूसरे लहजे में कहूँ तो आप एक अपना खुद का एक स्टाइल बना लीजिए, ठीक है। आपको डिफरेंट करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। आप जो भी करोगे, सीधा भी काम करोगे ना, तब भी वो डिफरेंट ही लगेगा। तो ये है दूसरी बात, आपको ऊब से बचना है अपने रिलेशनशिप को। जब ऐसा करोगे तो आपका पार्टनर किसी और के बारे में सोच ही नहीं सकता है। किसी और के बारे में तभी सोचेगा जब ऊब पैदा हो जाएगी, जब आप में इंटरेस्ट नहीं लेगा, जब आप कुछ नया नहीं कर पाओगे, तभी किसी और के बारे में सोचने का मौका मिलता है। अब बात करते हैं थर्ड पॉइंट की। तो जो थर्ड पॉइंट है वो है परवाह वर्सेस लापरवाह। अब इसको भी समझना, ये दो कीवर्ड हैं लेकिन कितने ज़्यादा पावरफुल हैं, इसको समझना। क्या होता है कि रिलेशनशिप को जब हम लेके सीरियस हो जाते हैं, उसको अच्छे से आगे बढ़ाते हैं, तो हम परवाह पे ज़्यादा फोकस कर लेते हैं, ठीक है। अभी यहाँ पे कहने का मतलब है कि परवाह हम ज़्यादा करने लगते हैं। इसको मैं इंग्लिश में कहूँ तो केयरफुल, ठीक है। हम केयरफुल ज़्यादा हो जाते हैं कि ये किया, वो किया, खाना खा लिया, पहुँच गए कि नहीं पहुँचे, कैसे हो, कैसे नहीं हो, ये सारी चीज़ें हम परवाह में जोड़ देते हैं और हम केयरफुल बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर आप हमेशा केयरफुल हो, ठीक है, तो बात यहाँ पे थोड़ी सी बिगड़ जाती है अकॉर्डिंग साइकोलॉजी। अगर आप थोड़ा लापरवाह हो, देखो क्या है कि हर एक चीज़ के दो पहलू होते हैं, तो आपको दोनों पहलू लेके चलना है। थोड़ा सा लापरवाही आपको दिखानी है। आपको जैसे कि हर बारी पूछते हो कि ठीक हो आप, मतलब अगर कहीं जाते हैं तो आप पूछते हो कि पहुँच गए वहाँ पर, तो एक बारी गैप कर दो, पूछो ही ना, ठीक है। ये साइकोलॉजिकल हिसाब से बहुत बेनिफिशियल आपके लिए होगा। थोड़ी सी लापरवाही आपको बरतनी होगी, ठीक है। कहने का सेंस आपने पकड़ लिया होगा। अब बात करते हैं लास्ट पॉइंट की। तो लास्ट जो पॉइंट है
इस लाइन को अच्छे से पढ़ना और मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा। पहले देखो क्या है कि ज़्यादा सीधापन मत दिखाओ। साइकोलॉजी कहती है, और सिंपल सा ये एक तरीके से प्रैक्टिकल भी है, कि जो सीधा पेड़ होता है ना वो सबसे पहले काटा जाता है। ये बात आप भी मानोगे, इसे डिनाई नहीं कर पाओगे। तो आपको सीधापन ज़्यादा नहीं दिखाना है, सीधापन ज़्यादा नहीं दिखाना है। और यहाँ पे एक बात ये कि थंबनेल, जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा था, तो उसके अकॉर्डिंग अगर मैं आपको बताऊं तो सीधापन आपको त्यागना पड़ेगा। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो सोचते हैं कि चलो रिलेशनशिप अच्छे से चल रहा है, चलने दो, ठीक है, जो भी कुछ होगा बाद में होगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कोई भी रिलेशनशिप में इस समय रिलेशनशिप इसीलिए बनाता है ताकि वो थोड़ी मौज मस्ती कर सके। तो अगर रिलेशनशिप में आए हो तो थोड़ा बहुत एक तरीके से करीब आना, गले लगना, किस करना, थोड़ा रोमांस करना, ये सारी चीज़ें भी एक तरीके से आती हैं। अगर इन सबको साइड में रख के आप सीधापन दिखाते हो तो बात नहीं बनने वाली है, और फिर यहाँ पे मौका आ जाता है, यहाँ पे स्पेस आ जाता है किसी और के बारे में सोचने का। तो ये सारी चीज़ें आप कंटिन्यू करिए, ठीक है ना। और एंड में सीधापन कहने का सेंस ये भी है कि आप बहुत सीधापन मत दिखाइए, थोड़ा सा आज के समय के हिसाब से, ट्रेंड के हिसाब से मॉडर्न बनिए, ठीक है, तभी जाके आप अपने पार्टनर को मौका नहीं देने में कामयाब हो पाओगे, वरना आप मौका दे दोगे। तो सीधापन आपको नहीं दिखाना है ज़्यादा, ठीक है। सीधापन अच्छी बात है, लेकिन ज़्यादा करोगे तो बुरी बात है। तो एंड में बस इतना कहूँगा कि ये चार जो फैक्ट हैं, टिप्स हैं, ये बहुत सी लोगों की हेल्प करेंगे और न जाने कितने रिलेशनशिप को हमेशा के लिए बचा के रखेंगे, ठीक है। एंड में इस वीडियो को, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्यों, क्योंकि इन फ्यूचर आपके लिए बहुत हेल्पफुल वीडियोस आने वाली हैं। साथ में इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में जो भी आपके विचार, क्वेश्चन, क्वेरीज वगैरह हैं लिखिएगा, ताकि मैं वहाँ से अपकमिंग वीडियो के लिए टॉपिक पिक कर सकूँ। एंड में अगर अभी तक आपने लव इंटेंसिटी फेसबुक पेज पे पेज को फॉलो नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके तुरंत फॉलो करिए। और अगर आप मेरे से डायरेक्ट बात करना चाहते हो, कंसल्ट करना चाहते हो, तो कॉल मी फॉर एप्लीकेशन के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जाके उसको क्लिक करके सिंपल इंस्टॉल कर लीजिए। उस पर ये पूरा सर्च मार दीजिए lovintercity@cm4, वहाँ पे lovintercity यूट्यूब चैनल की आईडी मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप मेरे को डायरेक्ट कॉल कर सकते हो, कंसल्ट कर सकते हो और अपनी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पा सकते हो, और जो चाहें आप पूछ सकते हो। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। गुड बाय एंड टेक केयर।